अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग केयर कैरियर से हो। आज मेरा ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि तुम लोगों को एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताना है जो कि बलूचिस्तान में रह कर और 50 जुबानों में से ज़्यादा जुबानों में पढ़ा जा चुका है। उसका नाम है वाजा मुबारक काजी और 1956 में पैदा हुआ खौदा अमानुल्लाह के घर में पसनी में। और उसका प्राइमरी एजुकेशन था, उसने प्राइमरी एजुकेशन पसनी में हासिल की। उसके बाद उसने इंटरमीडिएट के लिए उस सिंध में जाकर अपने इंटरमीडिएट का डिग्री हासिल की। उसके बाद वो मायूस होकर सिंध से उसने सिंध मुस्लिम कॉलेज से डिग्री हासिल करने के बाद वापसी में आया पसनी में। फिर तो उसने अपने बाबा की कारोबार थी, खौदा अमानुल्लाह की कारोबार थी, उसको संभालना शुरू कर दिया था। फिर तो चलते चलते मुबारक काजी 21 साल का हो गया। फिर तो 1976 में उसने शादी की। शादी के फौरन बाद उसने अपना बीए का डिग्री हासिल किया। बीए का डिग्री हासिल करने के बाद उसने अपना एडमिशन में एडमिशन ली बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। फिर उधर वो चला गया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। उधर उसने वो बलूची लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। बलूची लिखना पढ़ना उधर शुरू कर दिया था। उसने बहुत सारे प्रोग्राम ज्वाइन किए थे और बहुत सारे प्रोग्रामों में उसने हिस्सा भी लिए है और बहुत सारे प्रोग्रामों में इसने स्पीचें दिए हैं। मुबारक काजी एक ऐसी शख्सियत थी। उसी वक्त उसका पहला किताब शाया हुआ था। उस किताब के बाद बलोच लोगों ने वो लिखा पढ़ा तबका ने मुबारक काजी का पहला किताब पढ़ा और मुबारक काजी की ये पहली किताब बहुत लोगों ने पढ़ा और बहुत लोगों ने पसंद भी की। स्पेशली बलोच लोगों ने इसको बहुत पसंद की। मुबारक काजी इस किताब से मशहूर हुआ भी और एक अच्छा सा शायर भी हुआ इस किताब के बाद, क्योंकि इस किताब के बाद मुबारक काजी का नाम बलोच लड़की और लड़की के ज़ुबान पे थी। अब तो हम मुबारक काजी की लाइफ स्टाइल है और उसके पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा तुम लोगों को बताएंगे। मुबारक काजी एक ऐसा सादा इंसान था जो कि वो हर वक्त सफ़ेद कपड़े में हमको दिखता था, हर वक्त, हर रोज़, हर जगह भी, क्योंकि वो कपड़ों को, ये जूतों को इतना हैसियत नहीं देता है। वो दरअसल हैसियत देता है अपने हिल्म को। वो कहता है अगर मुझको मेरा ये काका है, स्ट्रक्चर है, अगर लोग मेरे स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं तो फिर मैं ये इंसान हूँ, मुझको नहीं पसंद करो। अगर लोग मुझको पसंद करते हैं और मेरी हालातों को पसंद करते हैं फिर तो मैं ये इंसान हूँ। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उसने अपनी वो लाइफ स्टाइल है, वो पर्सनालिटी है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया था। मुबारक काजी और बाबा बलूचिस्तान भी कहला जाता है, क्योंकि उसी की वजह से आज सारे बलूचिस्तान में इतने सारे शायर और अदीब पाए जाते हैं। उसकी एक पहला और आखिरी दर्स यही है, पढ़ो और लिखो। जो कुछ ज़ुबान तुम्हारे समझ में आता है उसी ज़ुबान में पढ़ो और लिखो। लेकिन वो बलूची ज़ुबान को ज़्यादा तरजीह देता था और इसीलिए आज बलूचिस्तान में बहुत सारे शायर और अदीब पाए जाते हैं। इसी सीक्रेट है उसको मैं उसको बोलता हूँ एक सीक्रेट, क्योंकि काजी एक सरकारी मुलाजिम था। उसका मेरे ख्याल से तनख्वाह 90,000 से ज़्यादा था। और पसनी की एक दोस्त ने बताया काजी का तनख्वाह मेरे ख्याल से एक बार उसने इस्तेमाल नहीं किया है। उसका तनख्वाह पसनी के वो गरीब लोग हैं, 2-3-4 फैमिली थे उसके हमसाए थे, वो पूरा तनख्वाह उस हमसाए लोगों का था। काजी एक ऐसा इंसान था, उसने अपने तनख्वाह को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया।
खुद के लिए, ज़ात के लिए। अगर आज बलोच लोगों को सारी दुनिया मानता है कौम जैसा, तो वो मुबारक काजी का वो रोल है, वो बहुत बड़ा रोल है। मुबारक काजी की वजह से आज हमको दुनिया भर में एक मुल्क जैसा समझा जाता है मुबारक काजी की वजह से, क्योंकि उसने लिखा है। काजी 2023 में वफात पाया और उसका आबाई अजतई इलाके पसीनी में उसका मज़ार है। और काजी की वजह से आज बलूचिस्तान के हर कोने और हर दमग में शायर पाए जाते हैं और अदीब पाए जाते हैं, ये काजी की बदौलत है। शुक्रिया मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिखाऊँगा, और ये क्लिप को देखो और काजी को सही से देखो, और काजी का अंदाज़ भी देखो, और काजी का ड्रेसिंग स्टाइल भी देखो, और काजी का बात करने